एस्ट्रोलॉजर आचार्य प्रदीप मेहता का नमस्कार। ना स्वर्ग चाहिए, ना ऐसो आराम चाहिए, चाहिए तो बस साथी तेरा साथ चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ उन जातकों के बारे में जिनकी अनुकूलता नंबर वन बताई गई है। दोस्तों, सिंह राशि और कर्क राशि की जोड़ी कैसी रहती है, क्या इन दोनों का प्रेम विवाह संभव है, आपसी सामंजस्य कैसा रहता है, ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है, अगर यह शादी करके साथ में जीवन गुजारते हैं तो विवाह करना उचित है, यह सब मैं विस्तार से आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा वीडियो देखिए, बाद में ही आप आखिरी नतीजे पर पहुँचे। दोस्तों, एक होता है जीवन जीना, दूसरा जीवन के हर पहलू को समझकर आनंद महसूस करके जीना, और उसमें भी जबरदस्त बॉन्डिंग रखने वाले जातक का साथ मिल जाता है तो सोने पे सुहागा होता है। जीवन में प्यार की भिनी भिनी सुगंध फैल जाती है और उसी ही बॉन्डिंग ऐसी ही बॉन्डिंग सिंह राशि और कर्क राशि वाले जातकों में देखी जा सकती है। आप लिख कर ले सकते हैं, यदि आप साथ रहेंगे तो आप जीवन में अच्छे महत्वपूर्ण भीगे पल भी बिताएंगे। इतना ही नहीं, आप एक दूसरे के साथ एक अच्छा जीवन साथ में गुजारने में भी सफल रहेंगे। हाँ, जीवन की शुरुआत में आप थोड़ी दिक्कतों का सामना कर सकते हैं, लेकिन समय रहते जब आप अपने साथी की भावनाओं को समझेंगे और समय समय पर जो भी कठिन परिस्थिति आएगी उनको गहराई से समझेंगे तो पूरे संसार में आपसे परफेक्ट कपल नहीं हो सकेगा। यह बात भी सही है कि आप दोनों में आप सामंजस्य का अद्भुत समन्वय होता है, इसीलिए प्रेम जीवन में भी भेंट उपहार सौगाते देते हैं, मिले हुए लोहे को जीते हैं। उसके उपरांत एक बात और भी है कि आप जीवन के मूल रूप को समझने वाले जातक हैं, इसलिए आपका प्रेम विवाह भी संभव है। दोस्तों, जीवन के मूल मंत्र को जानते हैं और अपने जीवन में उनका बखूबी आचरण भी करते हैं। ज़्यादातर लोग जीवन में इसलिए सफलता प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि कठिन परिस्थितियों में और कार्य की व्यस्तता में उचित ठोस निर्णय नहीं ले पाते, किंतु आप दोनों का साथ आपको उचित निर्णय पर पहुंचाने में सहयोगी होता है। एक ओर से देखा जाए तो आप में खास तौर पर यह भी देखा गया है कि कोई भी निर्णय में आप आगे बढ़ने से पहले आप सोच विचार जरूर करते हैं। जहाँ सिंह राशि के जातक कार्य व्यस्तता की वजह से दूसरे कार्य में नहीं पहुंच पाते तो कर्क राशि का जातक अपना कार्य छोड़कर अपने साथी के लिए मैनेज करते हैं। आप दोनों ही अपने साथी को प्रोफेशनल बिजनेस व्यापार व्यवसाय करियर लाइफ में एक दूसरे के पूरक साबित होते हैं। सिंह राशि और कर्क राशि वाले जातकों की सुखी जीवन की यह मुख्य चाबी है। कितनी भी कठिन परिस्थितियों में यह अपना आपा कभी नहीं खोते और बड़ी ही समझदारी पूर्वक सॉल्यूशन के साथ आगे बढ़ते हैं। ज्योतिष शास्त्र में चतुर्थ राशि से द्वितीय स्थान में स्थित राशि सिंह धन के हिसाब से बेहद महत्वपूर्ण है। आप दोनों की अनुकूलता का मुख्य कारण यह है कि सिंह राशि का राशि तत्व अग्नि तत्व है तो वही कर्क राशि का राशि तत्व जल तत्व है, इसलिए विवाह के पश्चात जीवन जी लेते हैं। परमात्मा का एक चमत्कार ही मान लीजिए, क्योंकि सिंह राशि और कर्क राशि वाले जातकों का जब जब मिलन होता है तो किसी भी परिस्थिति का दूसरा पहलू विचार विमर्श कर आगे बढ़ते हैं। साथ ही सिंह राशि वाले जातक अपने राशि तत्व अग्नि तत्व के कारण थोड़े गर्म स्वभाव के होते हैं तो वही कर्क राशि वाले जातक अपनी शीतलता से शांत करते हैं। यह समन्वय इन दोनों जातकों का समन्वय एक ऐसा समन्वय प्रतीत हो रहा है जैसे कड़कती धूप में एक प्यार भरा तन बदन को शांति पहुंचाने का एक मुख्य एहसास और अनुभूति, जी हाँ इन दोनों की रिलेशनशिप को बेहतर करता है। मित्रों, जब जब भी जल तत्व अग्नि तत्व का मिलन हुआ है तो उन्हें रोक पाना बड़ा ही कठिन कार्य हो जाता है और विकास की एक ऐसी आंधी बाहर आती है मानो को कोई चमत्कार हुआ है। विकास यानी कि रियल लाइफ के बारे में, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में हो, सामाजिक जीवन के बारे में किसी भी तरह की विकास होना तय होता है क्योंकि आप में मुख्य रूप से यह गुण समाहित होता है। कोई भी एक जातक जहाँ पर आगे बढ़ने में दिक्कत महसूस करता है तो दूसरा जातक उनका साथ देता है, आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और किसी भी कार्य की पूर्ति कर आनंद का अनुभव और साथी के प्रेम की अनुभूति भी प्राप्त करवाने में सफल रहता है, इसलिए आप दोनों का विवाह संभव है। दोस्तों, कुंडली में बन रहे पाप ग्रहों की युति के चलते कभी कभार फल मिलने में दिक्कतें होती है तो पाप ग्रहों की गोचर प्रत्यंतर दशा, महादशा, अंतर दशा के कारण भी मेहनत एवं प्रयत्नों का परिणाम सफल नहीं मिलता, इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। जय गुरुदत्त।